राम किसान भाइयों, आज एक और बढ़िया वाले भागने वाले झोटे की वीडियो लेकर आ गया है बब्बा जी के पास से। तो बब्बा जी अपना थोड़ा सा परिचय दे दो। मेरा नाम वीरपाल सिंह है बेटा। अच्छा जी। गाँव जड़ौदा है, जिला मुजफ्फरनगर है, तहसील सदर है। देख लो बब्बा जी का एक बार झोटा, ऐसी कंडीशन का झोटा नहाने के टाइम पर भी नहीं मिलता यार, बब्बा जी ने तैयार कर रखा। देख लो बिल्कुल शेर की तरह खड़ा झोटा, शेर की तरह। तो बाबा जी नू बताओ दांतों में कैसे होया, कन्नी लग लिया? कन्नी अभी लगा बेटा, नान से बाद में एक महीना बाद में दांत टूट गए। ताजी कन्नी का है भाइयो, ऐसा नहीं है कि झोटा पुराना हो रहा, बिल्कुल अभी अभी कन्नी लगा। हर साल नान में जावे बाबा जी। तो बाबा जी नान में तो हर साल ही जाओ? हाँ, साल जा रहे बेटे हमको। हाँ बाबा जी, 40-45 साल हो गए नान तो। अच्छा जी, तो बाबा जी झोटे की एक अद्धी खासियत बताओ। खासियत है सबसे पहली बात तो जितना इसका गाँव था सील बहुत है बेटा। हाँ जी, काम धंधा अपना किसी तरह करो, हल में चलाओ, बुग्गी में चलाओ, मेडी में चलाओ। हाँ जी। और एक लंबा चलेगा झोटा कितने लंबा हक लो? मुजफ्फरपुर मिल में गंडे जहाँ 10 किलोमीटर जाना पड़े, 10 आना पड़े खेत में तो। हाँ जी। और वैसे भी बाबा जी खेत का काम करना पसंद करे, बगाड़ना तो डालना इतना पसंद नहीं करते। मैं तो खेती का ज्यादा शौकीन हूँ। खेती के शौकीन है बाबा जी। गंगा जी हर साल जावे बाबा जी। झोटे को देख लो आप एक बार, पीठ पुठे देख लो झोटे के, गोड्डे लोग की पूंछ है, और सिंगार देख लो, खुला सिंगार है। झोटा सुद्धा बहुत है, नहीं तो इतनी जान वहाँ का झोटा मार गिरा है। और यो बेचारा किसी को भी कुछ नहीं कहता, कोई कैसे ही चला जाओ, हम तो बिल्कुल अनजान है इसकी खतर। देख लो कुछ नहीं कह रहा जरा सा भी। बाबा ही बहुत शौकीन आदमी है, बढ़िया ही झोटा रखा है, कभी वैसा झोटा नहीं रखते। अभी चलवा के भी दिखावा कैसे, थोड़ा सा अभी दिखावा गया अब्बाई का झोटा। देख लो बिल्कुल रेल है। Yeah.